डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो फाइट है, इस हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप बीइंग अ डॉक्टर डटे हुए हैं या डरे हुए हैं? ये तो पूछने वाला सवाल है। जाहिर बात है हम सब लोग डटे हुए हैं, इसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ इसको समझना है बीमारी को और उसको समझ के उसके साथ फाइट करना। सही। तो हमारे सराउंडिंग्स में तो बहुत ज़्यादा फियर की एक एटमॉस्फेयर है, तो आप इस सिचुएशन में क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? फियर को हम दोनों तरह से ले सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में भी, नेगेटिव सेंस में भी। जब पॉजिटिव सेंस देखने की जरूरत यह है कि आइसोलेशन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर फोकस रहना चाहिए हर एक को। हर एक को मैक्सिमम घर में रहना चाहिए, बाहर निकलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव फियर क्रिएट्स अ स्ट्रेस लेवल इन द बॉडी, सो इट्स बेटर कि आपको इंडिसेस पता होने चाहिए कि किस लेवल पे और किस हद तक ये डिजीज़ आपको नुकसान दे सकती है। कि बहुत सारा पीछे ये हवा था जी, डॉक्टर्स भाग गए, डॉक्टर मौत से डरते हैं। एक बार सिर्फ आज ये करना चाहूँगा कि डॉक्टर मौत से डरता है लेकिन मरीज की मौत से, वो अपनी मौत से नहीं डरता। तो उसको ये फिक्र होता है कि मेरा मरीज कहीं ना मर जाए। मैं और हमारा पूरा मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, हम सब के सब डटे हुए हैं। हमारे मोरल बहुत हाई हैं और हम इस बीमारी से फाइट करने के लिए तैयार हैं। और जैसे भी कंडीशंस हैं, जैसे भी केसेस आएंगे, इंशाल्लाह ताला हम लोग बहुत अच्छी तरह इसको डील करेंगे। किसी डॉक्टर ने कभी रिफ्यूज़ नहीं किया और तमाम हॉस्पिटल्स में हर जगह पे इस वक्त एक नए जज्बे से तमाम डॉक्टर्स मैदान जंग में आ चुके हैं और हम तमाम लोग इस जंग को जीतने के लिए तैयार हैं। हम हर हिसाब में फुल्ली इक्विप्ड हैं अपने फिज़िकल बीइंग के हिसाब से। हम बिल्कुल नहीं डरते, हम बिल्कुल डटे हुए हैं। और जो भी कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो हम उनको भी डील करने के लिए तैयार हैं। डरने की इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम आए रोज़ इससे ज़्यादा सीरियस पेशेंट देखते हैं। एक एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फियर की जो है वो एक वाइब्रेशन है और हर बंदा ही बहुत डरा हुआ है, तो क्या वेंटिलेटर हर मरीज को लगेगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं कई दिनों से जो है वो इसी किस्म के क्वेश्चन को कैटर कर रही हूँ कि लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं क्या हम पहले से दवाइयाँ खा लें। आपने पहले से दवाइयाँ नहीं खानी। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर वेंटिलेटर हमें नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, क्या हम मर जाएंगे? मैं आपको एक बात बहुत क्लियर करती चलूँ एक आसान और सादा अल्फाज में कि ये इन्फेक्शन है, इससे 70-80% पॉपुलेशन में इफेक्ट होना होता है, जिसमें से मोस्टली यानी 80-90% जो लोग हैं उनको बगैर किसी अस्पताल, किसी छोटी मोटी दवाई के वो लोग बेहतर हो जाएंगे, ठीक है? और उसके लिए उनको वेंटिलेटर नहीं लगना। सिर्फ कुछ हैं जिन्हों एक्सट्रीम्स ऑफ एज पर हैं, जो पहले से बीमारी का शिकार हैं या जिनके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा सोजिश आ जाती है, सिर्फ वो लोग वेंटिलेटर तक आएंगे। इसलिए आप लोग एक बात अपने जहन से निकाल दें कि आप सबको वेंटिलेटर लगना है, वेंटिलेटर सबको नहीं लगेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रिसोर्सेज जितने भी हैं, आप दुआ करें कि ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही ना आए और आप एक आम सी एपिडेमिक से इंशाल्लाह इसी तरह सिर्फ हाथ धोने से बच जाएंगे। हल पैनिक या डरना नहीं है, बल्कि इसके साथ लड़ना है। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इल्म जो है वो नुकसानदेह होता है, वो हमें डरा देता है बहुत सारी चीज़ों से। हमें हर बात का नहीं पता होता। जो सूरत हाल इस वक्त है उसके हिसाब में लोगों से मैं यही कहूँगी कि डरने वाली कोई बात नहीं है। हर बात पे यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। तहकीक ज़रूर कर लिया करें बात के बारे में, उस पर यकीन करने से पहले और डरने से पहले, क्योंकि डॉक्टर्स में फियर का एलिमेंट अगर हो तो वो फिर मरीज कैसे देखें। डॉक्टर साहब, आप अपने आईसीयू में अपने मरीजों को सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ के थ्रू भी ट्रीट करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कोरोना वायरस के हवाले से भी और दूसरी बीमारियों में भी इसका क्या रिजल्ट है? हम लोगों ने जो ट्रायल्स किए हैं वो सूरह रहमान के और कसीदा बुर्दा शरीफ के, हम लोगों ने जो हेड इंजरीज के पेशेंट हैं, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारा हमारा एक्सपीरियंस है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सूरह रहमान के जो है वो ज़ाहिर मुख्तलिफ बीमारियों में, बिलखसूस जो है हेपेटाइटिस के और हेपेटिक इनकेफलोपैथी के पेशेंट्स जो हैं उसमें हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देख सकते हैं वो वहाँ पे हमारे जो है वो ओवरहेड स्पीकर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग जो है वो दिन में 3 दफ़ा सूरह रहमान जो है वो चलाते हैं। ये हमारे तमाम ICUs में ओवरहेड ये स्पीकर लगे हुए हैं और इनको टाइमली जो है ये अपने टाइम पर सूरह रहमान जो है वो उसमें चलाई जाती है। तलावत उसकी तमाम पेशेंट्स के ऊपर हम लोग जो है वो मुसलसल जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। किसी को दूसरी राय और नज़रिया नहीं होना चाहिए कि कुरान में शिफा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने तमाम बीमारियों में, ट्यूबरक्लोसिस में, HIV में, हेपेटाइटिस बी सी,
लिम्फोमा, लुकीमिया, कैंसर, कार्डिक फेलियर, ACS, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में तमाम केसेस में, इवन के स्वाइन फ्लू के केसेस भी हमारे पास आए थे, और मैंने बहुत स्पीडी रिकवरी पेशेंट्स की देखी और रिमार्केबल डिफरेंस है कंपैरेटिवली उन पेशेंट्स और बाकी हॉस्पिटल्स में जहाँ पे सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ नहीं लगता। बीइंग एन इंटेंसिविस्ट हम होप खो चुके हों, लेकिन मिरेकुलस रिजल्ट की जहाँ पे बात आती है वहाँ सूरह रहमान सामने आती है। ज़्यादातर मैंने उन्हीं पेशेंट्स पे ट्राई किया है जिन पे मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, जिन पे कोई उम्मीद नहीं रहती है। सूरह रहमान थेरेपी के पीछे किस तरह से मरीज़ ठीक होते हैं साइंस वक्त के साथ साथ प्रूव करेगी, लेकिन साउंड हेल्थ या साउंड थेरेपी जो है वो अब साइंस की दुनिया में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तजर्बे होना शुरू हो गए हैं। गैर ममालिक ने इस पे काफ़ी सारे तजर्बे करके इस पे काफ़ी सारे नतायज भी लिए हैं और उनको काफ़ी मुस्बत नतायज मिले हैं। तो सूरह रहमान थेरेपी हम कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज़ में लोगों को बताते हैं, बग़ैर तर्जुमे के बताते हैं, और ये ठहर ठहर के पड़ी गई है, तकरीबन 21 मिनट में ये ख़त्म होती है। इसके पीछे भी हमारी यही सोच है कि इससे निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वेव्स होती हैं, जो शुआएँ होती हैं, वो हर फर्द के ऊपर और इज्तमाई तौर पर भी ऐसे असरात मरतब करती है जिससे इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी मनफियत में से बाहर निकल के मस्बित हालात में अपने वापस आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इसको जो है कहीं पे भी आप मौजूद हैं, आप हस्पतालों में हैं, आप ICU में हैं, आप अपने घरों में बैठे हैं, छतों में, मस्जिदों में, चर्च में, सिनेगॉग में, जहाँ पे भी आप हैं, मंदिर है, जहाँ पे भी आप मौजूद हैं और आप ये सुना सकते हैं तो इसको ज़रूर सुनाएं। इसका ताल्लुक किसी मज़हब, किसी अकीदे, किसी भी ज़ात पात रंग से नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ इंसानियत से है, और जहाँ जहाँ इंसान होंगे वहाँ वहाँ ये वजह शफा बनेगी। मौलाना साहब, आपने बार बार इस बात पे जोर दिया कि हमें अल्लाह से रिजू करना चाहिए, ये तौबा का वक्त है, ये अल्लाह से रिजू करने का वक्त है, तो मुझे एक बात याद आई कि सर्विसेज हॉस्पिटल में सूरह रहमान के ऊपर रिसर्च की जा रही है और वो उनके जो हेड हैं ICU के, वो 25 साल से अपने मरीजों को बतौर तरीका इलाज सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में सुनाते हैं और उससे कैंसर भी ठीक होता है। वो तमाम बीमारियां जिनका मेडिकल साइंस में फिर कोई इलाज नहीं होता वो सूरह रहमान सुनने से ठीक हो जाती हैं। तो वो बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप अपनी मसाजिद में सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में 7 दिन सुबह दोपहर शाम लगाएं तो कोरोना वायरस नहीं रहेगा। अगर अहले मोहल्ला, एक तो इज्तमाई दुआ हो जाएगी, सारे उस वक्त अल्लाह के हुजूर पेश हो के उसको सुन लें, और वैसे भी वो रहमान है तो ये रहमानियत को पुकारने का वक्त है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे सूरह रहमान की अहमियत के हवाले से और रहमानियत को पुकारने के हवाले से, कि ये जो उन्होंने बात कही है उसमें कितनी सदाकत है और क्या हमें ऐसे करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि कुरान करीम फुरकान हमीद पूरा का पूरा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से मतलब के बरकत और रहमतें लेने का एक ज़रिया है, और सूरत रहमान हम इस नियत से उसको करेंगे कि अल्लाह ताला इसके सुनने से हमें शिफा दे देगा या हमें तकवीत मिल जाएगी या ताकत मिल जाएगी और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो बिल्कुल उसमें ये ताकत है। मौलाना साहब, हम भी आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप भी 7 डेज बादशाही मॉस्क में सूरह रहमान अगर लगवाएं और पूरा मोहल्ला ही पेश हो के अल्लाह के हुजूर इसको सुन ले, तो हमारा भी और आपका भी डेफिनेटली एक रोल तो प्ले आप भी कर देंगे ना इस ड्यूटी में, एक कार्य खैर है। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर इसका इंतजाम करें, इंशाल्लाह जरूर आएंगे ताकि लोगों के घरों तक आवाज जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।
वी विल बीट कोरोना, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। टुगेदर वी कैन एंड वी विल बीट कोरोना। بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الإنسان